जॉब फॉर लैंड मामले में दिल्ली की रॉज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दे दी है। वहीं जमानत मिलते ही राजद में खुशियों का लहर है, जहां बिहार विधानसभा के बाहर राजद विधायकों ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। जहां विधानसभा के बाहर पहले से ही भाजपा ने विधायक लखविंदर पासवान समेत भाजपा के दो विधायकों को स्पीकर द्वारा दो दिन के लिए सस्पेंड करने के विरोध में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली से खबर आई कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को नौकरी के बदले जमीन मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद राजद के विधायकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और विधानसभा में मिठाइयां बांटने लगे। मिठाई बांटने के दौरान राजद के विधायकों ने बीजेपी के विधायक के पास गए और उन्हें भी इस खुशी के बहाने लड्डू खिलाने गए, जहां लड्डू खिलाने के बहाने राजद विधायक और बीजेपी विधायक आमने सामने हुए। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद के विधायकों ने जबरदस्ती यहां आकर हमारे साथ धक्का मुक्की की है, इसकी शिकायत हम राज्यपाल से जरूर करेंगे। अब देखना यह है कि ये मामला कहां तक बढ़ता है। राजद की खुशी और बीजेपी का गम, क्या ये दोनों आपस की लड़ाई बिहार के लोगों पर भारी पड़ने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।